वेरी गुड मॉर्निंग विद बेला। पापा आए हैं और पापा ने बोला कि दरवाज़ा बंद कर दे, देखता हूँ क्या करती है। दरवाज़ा तो बंद कर दिया था मगर उसको फिर खोल दिया मैंने धीरे से, मगर अभी तक वैसे ही लेटी हुई है जैसे ही पापा ने बोला इसको रहने के लिए। चुपचाप ये देखिए पापा के लिए वेट कर रही है, पापा आते ही खेलने लग जाएगी। दोपहर के अभी 4 बज रहे हैं तो मैंने पानी में ऐसे हाथ लगाया हाथ धोने के लिए, क्योंकि बार बार बेला को हाथ लगाता हूँ तो हाथ बार बार धोना पड़ता है, और ऐसे लग रहा था पानी में से एकदम खौलता हुआ आग उबल रही है, इतना गर्म इतना गर्म, बाप रे। बायोकेमिस्ट्री का एग्ज़ाम आने वाला है और इसलिए मैंने प्रिपरेशन के लिए जल्दी जल्दी में मैंने जो जो है टॉपिक उन सबको लिख लिया है, और टोटल 28 टॉपिक है और 28 टॉपिक को मेरे को एक हफ्ते में कंप्लीट करना है, और एक हफ्ते में कंप्लीट करना मतलब पर डे 4 टॉपिक, और इसमें क्लास चलेगा तो कर नहीं सकते अभी। आज मतलब सैटरडे संडे मंडे 3 दिन की छुट्टी है, 3 दिन में अगर 12 के जगह पे 15 या 16 टॉपिक हो जाते हैं तो वो प्लस पॉइंट रहेगा मेरे लिए। और कुछ कुछ पॉइंट ऐसे हैं कि एक ही चैप्टर का अलग अलग पॉइंट बना रखा है, जैसे कि ये हॉर्मोन्स का चैप्टर है, ये हॉर्मोन्स 1, 2, 3, 4, 5 ये पांचों में लेके एक चैप्टर में आते हैं, ठीक है। तो फिर इसमें अलग अलग कर रखा है, डिवाइड कर रखा है, तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि आज हॉर्मोन से उठाता हूँ और ये ख़त्म करता हूँ। 5 आज ही का हो जाएगा तो 4 होना चाहिए डेली का, तो एक ही दिन में 5 हो रहा है तो बेसिकली मेरे लिए एक प्लस पॉइंट रहेगा। चलिए मैं कर देता हूँ, अब आगे जैसे भी होगा देखते रहिए। जो लोग मेरे ब्लॉग को रोज़ देख रहे हो उनको पता है मेरा कंटेंट कैसा होता है, डेली जो मेरे लाइफ का होता है वो सब कुछ मेरे ही ऊपर होता है। प्लीज़ अगर अच्छा नहीं लगता है कमेंट में बताओ कि ये पोर्शन बहुत बेकार था और बहुत ही गंदा लगा, मतलब कुछ होता है ना कि पॉइंट ऑफ व्यू मेरा होता है वो आपका भी होना चाहिए, कि ये गलत चीज़ दिखा रहा हूँ या फिर गलत शो कर रहा हूँ या कुछ भी ऐसा, तो प्लीज़ आप उसमें कमेंट में बता सकते हो, कमेंट हमेशा खुला रहता है। गाली गलत मत देना, बस अच्छे से समझा सकते हो कि ये तू करता तो और भी अच्छा होता। छत पे क्या तेज मस्त हवा चल रही है, ऐसा लग रहा है हल्का तूफान आएगी और थोड़ा ठंडक पहुंचेगी, अभी इतना गर्मी है अभी तूफान आना चाहिए। और मैं बेला बहुत देर से खेल रहे थे, थक गया, अब थोड़ा सा रेस्ट करके नहा लेते, मिलता हूँ। सब सही है, बस गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ गई है, टी शर्ट इसलिए निकाल दिया, और वैसे भी आजकल थोड़ा बहुत एक्सरसाइज हो रही है तो लाइनिंग आने लगी है, दिखाना तो भी ज़रूरी है। पढ़ाई कर रहा हूँ आज और कल, मैं एक एक चैप्टर निपटाऊँगा जैसे कि आपको दिखाया था दोपहर को कि सब कुछ बिल्कुल कम्प्लीट लिख रखा है, उसी हिसाब से शुरू भी हो गया। अब ये देखने में एक दिन में कितना कर पाता हूँ, और आज निकल गया, आज बस प्लानिंग प्लानिंग में गया, कुछ हुआ नहीं है पढ़ाई, कल से होगा, मतलब अभी रात को ही बैठूँगा तो ऑलमोस्ट कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, होप पॉजिटिव हो जाएगा। अभी क्या है कि मैं आपको बताने वाला हूँ, लोग मर रहे हैं, 4 लाख केस क्रॉस हो चुका है,
प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आप जो ये स्टेटस पे लगा रहे हो ना कि बाहर घूम रहा हूँ, बाहर घूमने के जाने का मन कर रहा है, रेस्टोरेंट जाने का मन कर रहा है, ये उन लोगों के बारे में सोचिए जिनके पास अभी घर तक नहीं है। ऐसे सिचुएशन में वो कहाँ पे रहे? आइसोलेशन करने के लिए अगर बोल दिया जाए, हॉस्पिटल में बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, आपको घूमने की पड़ी है। सो प्लीज़ थिंक, मेरे इस वीडियो से बोलने से कुछ नहीं होगा, मैं खुद बाहर नहीं जा रहा हूँ जबकि मेरे को बहुत ज़्यादा घूमना पसंद है, फ़ोटो क्लिक करना पसंद है, मैं सब बंद कर दिया, क्या होगा ये सब करके? अभी रुक जाओ, टाइम सही आने दो, सब कुछ होगा, बस अभी नहीं। आशा करता हूँ कि आप ये मानोगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत लोगों को देखा है मानते, और आशा करता हूँ आप भी मानोगे, और कोई नहीं मान रहा है उसको भी समझाओगे। इस ब्लॉग को यही एंड करता हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा, मैं पढ़ लेता हूँ थोड़ा बहुत। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।